हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर चिल्ड्रंस, टुडेज टॉपिक क्वेश्चन टू क्लास टेंथ बायोलॉजी। रक्त परिवहन से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार का होता है? लसिका परिवहन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। आंसर, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की आवश्यकता हो या भोजन ग्रहण करने की। जंतु शरीर में सभी पदार्थ रुधिर के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों को ले जाए जाते हैं, इस क्रिया को रुधिर परिवहन कहते हैं। मनुष्य में रुधिर परिवहन दो प्रकार का होता है, फुसफुसी या पल्मोनरी परिवहन। इस परिवहन में दाहिने निलय के संकुचन में उसमें भरा अशुद्ध यानी कि अशुद्ध रुधिर फुसफुस धमनियों द्वारा फेफड़ों को शुद्धिकरण के लिए पहुंचाता है। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर एक जोड़ी फुसफुस सिराओं द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचता है। दैहिक या सिस्टमेटिक परिवहन, इस परिवहन में बाएं निलय के संकुचन में शुद्ध रुधिर दैहिक महाधमनी में होता हुआ धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है और शिराओं द्वारा एकत्रित अशुद्ध रुधिर अग्र एवं पश्च महाशिराओं द्वारा हृदय के दाहिने अलिंद में पहुंचता है। इस प्रकार मानव में रुधिर दो बार हृदय से गुजरता है। लसिका परिवहन के कार्य, फर्स्ट कोशिकाओं को पोषक तत्वों जैसे हार्मोन्स, गैसेस तथा एंजाइम्स आदि को पहुंचाने का आदान प्रदान के लिए माध्यम का कार्य करता है। सेकंड, कोशिका ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को रक्त तक पहुंचाता है। थर्ड, लसिका कोशिकाएं जो रसंकुरों में फैली रहती है, पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। फोर्थ, लसिका कोशिकाओं के चारों ओर जली वातावरण बनाकर कोशिका के बाहर एक भीतर परासरण संतुलन बनाए रखता है। फिफ्थ, लसिका वाहिनियों में स्थित लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। सिक्स, या कोमल अंगों को रगड़ से बचाता है।